क्या आप जानते हो कि हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स क्यों रखा जाता है और इसका क्या काम होता है? चलिए आज इस वीडियो में जान लेते हैं। ब्लैक बॉक्स लगभग सभी प्लेन में रहता है और कोई भी प्लेन हो, चाहे वह पैसेंजर प्लेन हो, कार्गो प्लेन हो या फाइटर प्लेन हो, ब्लैक बॉक्स सभी में रखा जाता है। यह वायुयान से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण होता है। इसे फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहा जाता है। इस बॉक्स को सुरक्षा की दृष्टि से विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है। ब्लैक बॉक्स बहुत ही मजबूत होता है। यह टाइटेनियम धातु का बना होता है और टाइटेनियम के बने डिब्बे में बंद रहता है ताकि ऊंचाई से जमीन पर गिरने या समुद्री पानी में गिरने की स्थिति में इसको कम से कम नुकसान हो। दरअसल जब भी कोई विमान हादसा होता है तो उस समय जांच एजेंसियां उस विमान के ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कोशिश करती हैं, क्योंकि यह बॉक्स अंतिम 2 घंटे के दौरान विमान की आवाज को रिकॉर्ड करता है। यह इंजन की आवाज, आपातकालीन अलार्म की आवाज, केबिन की आवाज और कॉकपिट की आवाज को रिकॉर्ड करता है और विमान की दिशा, ऊंचाई, ईंधन, गति, हलचल, केबिन का तापमान सहित 88 प्रकार के बारे में 24 घंटों से अधिक की रिकॉर्डेड जानकारी रखता है ताकि पता चल सके कि हादसे के पहले विमान का माहौल किस तरह का था।